हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सोल स्पाइस किचन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है मालवनी वड़े। इसे कोमड़ी वड़ा बोला जाता है। ये कोकन की स्पेशल डिश है और ये ज़्यादा करके नॉनवेज के साथ ही खाई जाती है, क्योंकि उसके साथ इसकी टेस्ट बहुत बढ़िया आती है। तो उसके लिए मैंने आज यहाँ पर लिया है 2 कप चावल, 1/2 कप उड़द की दाल, धुली हुई दाल है, पोहा। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से भून लेने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने आटा लिया है, ज्वार का आटा 2 कप, 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप सूजी और 1/2 कप चने दाल का आटा। तो ये जो वड़े बनाते हैं ये भाजनी बना के रखते हैं इसकी, लेकिन मैं आज इंस्टेंट बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर बस चावल, दाल और पोहा, यही इसका ही आटा बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है चावल, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा चेक करते रहना है बीच में, अगर दाल और हमारे चावल हाथ में गर्म लग जाए तो उसी वक्त हमें इसे निकाल देना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने ली है उड़द की दाल, उसे भी अच्छे से गर्म कर लेंगे, जो हमें पीसने में आसानी हो, क्योंकि मैं ये जो पीसने वाली हूँ मैं मिक्सर में ही पीसने वाली हूँ, ग्राइंडर में। आप चाहो तो गेहूँ, ज्वार, ये सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट करके इसका आटा भी पीस कर ला सकते हो। तो यहाँ पर हमारी दाल भी गर्म हो गई है, उसे निकाल लेंगे। और जो हमारा पोहा है उसे भी हम थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेंगे, कि थोड़ा वो क्रिस्पी हो जाए, हाथ से टूटे। देखिए इस तरह से यहाँ पोहा भी गर्म हो चुका है। 1 से 2 मिनट बहुत हो जाते हैं इसे भुनने में। मैंने गैस बंद कर दिया है, अब उसमें डाला है मैंने मेथी दाना, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसको ज़्यादा हमें भुनना नहीं है, नहीं तो जो मेथी दाने की कड़वाहट है वो हमारे वड़ों में आ जाएगी। और हमें जो मसाले लगने वाले इसके लिए, उसमें लिया है मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने सौंफ पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, जो रोस्टेड हमने मेथी ली है वो भी यहाँ पर रख दिए, और मैंने 1/2 चम्मच यहाँ पर काली मिर्च ली है। अब ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने जो चावल का आटा पीस कर रखा है वो इसमें डाल देंगे। उसके बाद जो हमने दाल पीस कर रखी है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये सारे आटा हमें दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा फाइन पेस्ट जो आटा है इसका पीसना नहीं है। ये सारे मसाले हम पूरे धनिया, जीरा, सौंफ और ये सारे भूनकर आटे के साथ भी इसे हम इसके ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पाउडर यूज़ किया है क्योंकि हम इंस्टेंट वड़े बनाने वाले हैं। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, सारे मसाले और जो आटा है वो अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस आटे को ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना है और ज़्यादा जो पतला भी नहीं गूंदना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका आटा भून लेना है। बस हम रोटी का आटा भूनते वैसे ही भून लेना है। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमारा आटा भूनकर तैयार है। देखिए इस तरह से, ज़्यादा मैंने सख्त भी नहीं गूंदा है। अब इस आटे को हम थोड़ा सा दम देने वाले, दम बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने वाले हैं। इसे थोड़ा हम स्मोकी फ्लेवर देंगे, इसलिए मैंने बीच में से थोड़ा सा होल कर दिया है। और हम होल गरम कर लेंगे और उस पर हम देसी घी डाल के इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने वाले हैं। अब इस पर हम डालेंगे देसी घी।
इससे जो हमारा आटा है उसको अच्छे से स्मोकी फ्लेवर आएगा और जो हम बड़े बनाने वाले हैं वो थोड़ा स्मोकी टेस्ट आएगी। अब हम इसे ढककर एक घंटे के लिए रख देंगे। तब तक मैंने यहाँ पर चिकन बना लिया है। चिकन में मैं सिंपल ही रेसिपी आज यूज़ की है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी चिकन की रेसिपी है, आप जाकर देख सकते हो। हम इस वड़े को चिकन ज़्यादा करके नॉनवेज के साथ ही खाए जाते हैं वड़े, आप वेज के साथ भी खा सकते हो। यहाँ पर एक घंटा हो गया है तो हम आटा देख लेंगे, खोलकर चेक कर लेंगे। जो कोले वो भी निकालेंगे और एक बार फिर से अच्छे से भूनेंगे और इसके छोटे छोटे गोले बनाकर रख देंगे, जिससे हमें जो वड़े बनाने में आसानी हो। अब छोटे छोटे गोले बनाकर रख देंगे, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। और साइड में मैंने तेल भी रख दिया गरम होने के लिए। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा प्लास्टिक का पेपर लिया है, पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दिया है और जो हमने गोला इस पर रख दिया है। अब हम इसे हाथों से भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक प्लेट के मदद से उसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। अच्छे से दबा कर उसको देखिए राउंड शेप आ गया है। चाहे तो आप बेलन से भी बेल सकते हो, लेकिन ये इजी तरीका लगा मुझे, इसलिए मैंने प्लेट से ही थोड़ा सा प्रेस करके इसकी जो वड़ा है वो बना लिया। और बीच में थोड़ा सा होल कर देना है कि जो पूरी वो सारी साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए इस तरह से अब तेल भी गर्म हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हाई हीट भी नहीं चाहिए और लो हीट भी नहीं चाहिए, मीडियम हीट पर हमें इसे फ्राई करना है। देखिए हमारी जो वड़ा है फूलकर तैयार है, अच्छे से फूल रहा है। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से इसे प्रेस करना है, वो अच्छी सारी साइड से फूल जाए। और वड़े को ज़्यादा अलट पलट नहीं करना है, एक साइड से पूरा फ्राई हो जाए तभी उसको पलटना है, दूसरे साइड से फ्राई होकर उसे निकाल देना है। देखिए अच्छे से कलर आ गया है। अब हम इसे निकालेंगे। उसी तरह से दूसरी जो वड़ा है वो भी हमने डाल दिया है फ्राई करने के लिए। इसमें मैंने होल नहीं किया, इस तरीके से भी आप बना सकते हो पूरी के स्टाइल में। ये भी अच्छे से फूल कर तैयार हो जाता है। देखिए हम वेज सब्जी के साथ भी इसे खा सकते हैं, ये मोस्टली तो नॉनवेज के साथ खाया ही जाता है। आप वेज पनीर के साथ, कोसी सब्जी के साथ इसे खा सकते हो। वड़े की जो साइज़ है वो ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ यहाँ पर हमें वड़े की रखनी है। अब हम इसी तरह से सारे वड़े हम फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बनकर तैयार है हमारे वड़े, निकालेंगे हम इसे।
यहाँ पर हमारे वड़े फ्राई होकर तैयार है। देखिए इसे मैंने चिकन के साथ सर्व किया है। देखिए बीच में से भी अच्छे से फ्राई हो गए। अब मेरे हस्बैंड इसे टेस्ट करके बताएंगे कैसे बने हैं। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। देखने के लिए थैंक यू।